एक बाप ने, बूढ़ा बाप ने नौजवान बेटा से पूछा, गे बेटा होटा कौन चिड़िया जी रे? तो बेटा बोली थी, देखे जाने कौआ जी। फिर थोड़ी देर पर, ये बेटा बेटा कौन चिड़िया जी रे? तो दिमाग खराब भग कहल सुनला ने कौआ जी। फिर थोड़ी देर, ए बेटा ओटा कौन चिड़िया जी रे? बोले समझ गए तोर दिमाग फेंकी दिल हम जे। तो बाप रोका, ए बेटा रुक, बेटा जानते हो? ए बेटा ते जाने जा, जब ते छोटो चला ली, जब ते छोटो चला ले तोर हाथ पकड़ी हमें घूमे जहिला ने ते बोला ले बाबा है की जी हो? हम कह चलो के बेटा मैना जी मैना। ते फिर पूछ ले बाबा इटा की जी हो? हम कह चलो के मैना जी बेटा। 70 मरतबा तुम पूछता था तो मैं 70 मरतबा बताता था कि बेटा ये मैना है ये चिड़िया है। आज सिर्फ 2 मरतबा मैंने तुमसे पूछा, तुमने जवाब देने से इनकार कर दिया। माँ बाप के मकाम को समझो मेरे बच्चों, माँ बाप का मकाम क्या है? आज माँ का घेंगरो, माँ के माँ की थूक, बाप की थूक के घिन आती है तुम्हें। जब माँ की गोद में नया कपड़ा पहनकर ईद त्योहार में माँ तेरी नया कपड़ा पहनती थी ना, नया कपड़ा पहनकर ऐसी बात तो नहीं कि तुझे गोद नहीं लेती थी, गोद लेती थी माना, उसी नए कपड़े में लेकर बैठती थी, तुम पखाना कर देते थे, माँ को घिन नहीं आती थी। तुझे 2 गोद में लेकर माँ बैठकर खाना खाती थी, तुम पखाना करके उसकी गोद में मौजूद हो, माँ को घिन नहीं आई, माँ खाना खा रही। उस पल को याद करो मेरे बच्चों, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो बना लो बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ। इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे? अगर माँ बाप की बारगाह में कोई बेअदबी हो गई है, अगर कोई बेअदबी कर बैठे हो, माँ बाप नाराज़ है तो माफ़ी मांग लेना, माफ़ी मांग लेना। अम्मा तो न कभी नाराज़ नहीं होती है, वो तो ऐसे ही माफ़ कर देगी। बाप जल्दी, बाप भी जल्दी नाराज़ नहीं होता है, बाप ऐसे ही माफ़ कर देगा। इसलिए नौजवान अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उनकी खिदमत हो गया। और जब दूसरे जीने पे कदम रखा तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हजरत जिब्रील बद्दुआ कर रहे थे कि हलाक हो गया वो शख्स, तबाह हो गया वो शख्स जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में जगह ना बना पाया। मैंने कहा आमीन। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया, जिसने अपनी माँ को बूढ़ी हालत में पाया, बाप को बूढ़ा हालत में पाया, उसकी खिदमत करके, उसके पांव दबाकर, उनकी दुआएं लेकर जन्नत में जगह ना पाना पाया, वो हलाक हो गया। माँ बाप की खिदमत करोगे भाई? करोगे? कितने लोग तैयार हो? अल्लाह तौफीक दे, बाप के पांव दबाओ, हाथ दबा दो, सर दबा दो, गल्ला भी दबा दो, गल्ला नहीं, गला नहीं दबाना जी, सर दबा दो, हाथ दबा दो, तेल मालिश कर दो, थोड़ा सर मालिश कर दो, दुआ करो। अच्छा लोग कहते हैं कि हजरत हजरत दुआ कीजिए, दुआ कीजिएगा। अमान लग बंदा हमसे क्या कह रहा, दुआ कर रहा, हमसे कह रहा दुआ कर दीजिएगा। अरे बोलना ही है तो अपने बाप से बोलो ना कि अब्बा मेरे लिए दुआ कर दीजिए, पहले उसकी दुआ कबूल होगी कि पहले मेरी दुआ कबूल होगी, बताइए भाई? पहले बाप की दुआ कबूल होगी ना। अरे बाप से बोलो ना अब्बा हमारे लिए दुआ कर दीजिए। अरे घर में तुम्हारी जन्नत, तेरी माँ मौजूद है, माँ से बोलना तेरी माँ दुआ कर देगी, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। माँ से बोलो, माँ से बोलो ना कि अम्मा हमारे लिए दुआ कर दीजिए, माँ मेरे लिए आप दुआ कर दीजिए। और कुर्बान जाओ, माँ के आंचल उड़ जाएंगे ना दुआ के लिए, दुपट्टा उठा देगी ना अगर वो दुआ के लिए, हाथों को अगर दुआ के लिए
उठा देगी ना, तो जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो उसकी दुआ को रोक सके। नौजवानों, माँ बाप की कद्र करो, माँ बाप का इकराम करो, उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। अल्लाह ने कुरान में बार बार इरशाद फरमा दिया है, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। कैसा सलूक करते हो, कैसा सलूक करोगे नौजवानों बच्चों? आज तो आलम यह है कि माँ बुलाती है इधर, बेटा जाता उधर, बाप बुलाएगा इधर, बेटा जाएगा, अरे बुधवा यहाँ, हाँ चुआ, ते खाली बोलते रहे यार। बाप अगर खांसी कर दे, खांसी कर दे, आ हा जवान बेटा के जा की ते खांसते रह जा हमेशा, हा चुआ। नौजवान लंदन गया, बाबू आवाज तो ठीक थी, आप इत्मीनान से बैठिए कुर्सी पर। एक नौजवान लंदन गया, रोड पर निकला तो देखा कि एक आदमी दवाई बेच रहा था, ये टेबलेट ऐसी टेबलेट है कि बूढ़ा खा ले जवान हो जाए, जवान खा ले लड़का हो जाए, लड़का खा ले बच्चा हो जाए। कौन टेबलेट ली? ये नौजवान खरीद लिया, 10 टेबलेट खरीद लिया और सोचा कि मियाँ भी बूढ़ो भागली से, बाबा भी बूढ़ो भागली से, दोनों खेलती नहीं तो बदन हाथ मजबूत भाई। 10 टेबलेट घर भेज दिया, खत लिख दिया, अम्मी एक ठो आप खा लीजिएगा, एक ठो अब्बा को खिला दीजिए। पार्सल आ गया, बुढ़िया खत पढ़ी, खत पढ़ने के बाद ये वो टेबलेट रात में खाई, और जैसे खाई सुबह हुई तो देखा जितना बाल सफ़ेद था सब काला हो गया, चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो गई, बदन हाथ एकदम ताकतवर हो गया, चेहरे पे लाली आ गई, बुढ़िया तो एकदम बाप जवान। तो बुढ़वा बोली कि क्या टेबलेट खा लेते गए? बोला एक टा। बोले आर क्या दीजिए? बोले 9। बोले अन्न वोटा हमें खेली। बोला नहीं ते मत, 9 मत खोली, खालिए बहुत पावर वाला टेबलेट जी। बोले ती चुपचाप रहो, आन कहाँ जी टेबलेट आन। बुढ़िया डरस निकाली दा दिल की, रात भेले खेल के 9 टेबलेट खेली आ खा के सुती गई, आ सुतले बेनवा दे गए तंडा बच्चा भाई। उगर मौगी बोली अब तोरा ला की करबो, मैं बताबो मना कर लूँ ते मन ला ते बच्चा भाग, अब तोरा कहाँ सुते बोल, ते कोई बातक जल्दी माने जाने थे। बोले हमरा झूलना में झूला दे, ले आगे झूलना में झूला दे। कुछ महीने के बाद उसका बेटा आया, माँ को देखा बड़ा खुश हो गया, माँ से पूछा कि मियाँ बाबा कहाँ जी? बोले बाबा वहाँ झूलना में झूले झूल। माँ की कदर करो नौजवानों, अपने बाप की खिदमत करो, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है दोजख भी है, ये तुम्हारे लिए दोजख भी है जन्नत भी है, जन्नत भी है दोजख भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक नौजवान ने पूछा, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में क्या हक है, मेरे ऊपर में माँ बाप का क्या हक है? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि ये तुम्हारे लिए दोजख भी है, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है। इससे पता चला कि तुम इनकी खिदमत करोगे, इनकी दुआएं लोगे तो जन्नत में तुम्हारा मकाम बनेगा, जगह तुम्हारी जन्नत बनेगी। अगर इनके दिलों को दुखाओगे, तकलीफ पहुंचाओगे तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। अपने माँ बाप को राजी करोगे नौजवानों? करोगे? एक नौजवान को बाप ने इंजीनियर बनाया, इंजीनियर बनाया एकलौता बेटा, और कोई बेटी वगैरह नहीं, एक ही बेटा, बाप ने इंजीनियर बनाया और बेटा की सर्विस हो गई सऊदी अरब में। सऊदी अरब से आया तो माँ सोची कि अब हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, घर में कोई है नहीं, बेटे की शादी करा देते हैं तो कम से कम बहू आ जाएगी घर में तो थोड़ा सा मेरी मदद हो जाएगी। बेटे को शादी के लिए तैयार किया, बेटा तैयार हो गया, शादी हो गई। अब शादी जो हो गई, अब ये लड़का अब सऊदी जाने वाला है लेकिन अकेले नहीं, दिल फेंक आशिक था। बीवी बोली सुनो ते सऊदी जो आगे यहाँ जो बोली, बोला तेज बात तो पीछू हम जो बोला कने, बोले नहीं हमारे मन नहीं लगता, ते वहाँ रहवा हमें यहाँ रहो नहीं चलती गाड़ी। तो लड़का तो आशिक था बीवी का, बीवी का आशिक था, बोले ठीक है तुम भी मेरे साथ सऊदी चलो। जब ये बात माँ के कानों में पहुंची ना कि मेरा बेटा सऊदी जा रहा है, बहू को भी लेके जा रहा है,
तो माँ ने समझाई बेटे को, बेटा मेरे लाल तेरा निकाह मैंने करवाया, तेरी शादी करवाई इसलिए कि मेरे घर में बहू आ जाएगी, हम लोगों की थोड़ी खिदमत कर लेगी ये, और दो वक्त की रोटी हम लोगों को मिल जाएगी। तो बेटे ने कहा कि नहीं अम्मी, ये मेरे बिना अकेले नहीं रह पाएगी, आप लोग रहिए ना जैसे पहले रहते थे वैसे रहिए ना, ये मेरे साथ सऊदी जाए। ना माँ का सुना ना बाप का सुना, बीवी को ले लिया, वीज़ा बनाया, सऊदी चला गया। 14 साल का अरसा गुजरा। कितने साल गुजरे भाई, कितने साल गुजरे? 14 साल गुजर गया। इन 1400 साल में वो 12 हज किया।